अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूसीएल कंपनी ने अपनी 14 इंच की एलईडी S5400 पाकिस्तान में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवा दी है, जो कि 2023 का लेटेस्ट मॉडल है। आज की इस वीडियो में हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग और इसका फर्स्ट इंप्रेशन और रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। आपको एक चीज बता दूं कि इससे पहले पाकिस्तानी मार्केट में किसी भी कंपनी ने अपने बेसिक मॉडल बेसिक सीरीज के अंदर इतने ज्यादा स्पेक्स और फीचर नहीं ऐड किए थे। फॉर एग्जांपल, जितने भी फ्लैगशिप मॉडल आते हैं या प्रीमियम कैटेगरी के मॉडल आते हैं, ये सारे स्पेक्स आपको उनमें देखने को मिलते हैं। लेकिन चूंकि TCL जो है वो पाकिस्तान का मोस्ट फेमस फास्ट ग्रोइंग ब्रांड बन चुका है, और जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई भी नई सॉफ्टवेयर आता है, उसको ये अपने टीवीज पे सबसे पहले इंप्लीमेंट करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ कि TCL ने इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की है, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि इसकी जो ओल्ड सीरीज थी उसमें क्या फर्क था। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके जो बॉक्स का डिजाइन है वो आप देख सकते हैं, इसके बॉक्स के ऊपर S लिखा हुआ है। ये S सीरीज का लेटेस्ट मॉडल है S5400। इसकी टॉप साइड पे आपको गूगल टीवी लिखा हुआ मिल जाएगा और बॉटम साइड पे इसके जो मेन फीचर्स हैं उनको हाईलाइट किया गया है। पैकिंग का डिज़ाइन बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। पहले के मॉडल में आपको इस तरह का बॉक्स मिलता था, बट इस दफ़ा जो प्रीमियम कैटेगरी के मॉडल में पैकिंग यूज़ कर रहे थे वही यूज़ की गई है। बॉक्स को हमने ओपन कर लिया है। बॉक्स के अंदर से हमें ये सारी इसकी एसेसरीज वगैरह देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा इसमें एक वारंटी कार्ड है जिसमें 2 साल की कम्प्लीट वारंटी है पार्ट्स और पैनल की, डैमेज और बर्निंग के अलावा। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा रिमोट। तो रिमोट का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, ईजी टू हैंड कैरी है, स्लिम रिमोट है, और ये रिमोट आपकी टीवी की ब्लूटूथ के साथ पेयर भी हो जाएगा, और इसमें आपको वॉइस सर्च गूगल असिस्टेंट की ऑप्शन भी मिल रही है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, अभी हम इसकी पिक्चर क्वालिटी भी चेक करेंगे, वॉइस सर्च भी चेक करेंगे, और इसकी साउंड आउटपुट भी आपको चेक करवाएंगे, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस दफ़ा 2023 में इसकी प्राइस क्या रखी गई है। जिसके बाद आपको TCL का एनिमेशन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको गूगल टीवी का लोगो मिल जाएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए इसके डिज़ाइन की, तो ये 3-साइडेड बेजललेस फुल स्क्रीन मेटेलिक फ्रेम डिज़ाइन के साथ है, जबकि इसका ओल्ड मॉडल प्लास्टिक बेजल्स के साथ आ रहा था। ये आप दोनों में डिफरेंस भी देख सकते हैं। तो डिज़ाइन में जो है ये हमें एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद ये हम इसकी मेन सेटिंग को ओपन करते हैं। तो यहाँ से हम इसके सिस्टम को ओपन करेंगे जिसमें ये अबाउट की ऑप्शन है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमें एंड्रॉयड 11 मिल रहा है, जो कि सर्टिफाइड गूगल लाइसेंस्ड है। जैसे ही गूगल पे कोई अपडेट आएगी ये टीवी ऑटो अपग्रेड हो जाएगा। ये इसकी स्टोरेज है जिसमें हमें 10 GB अवेलेबल स्टोरेज मिल रही है। टोटल इसमें 16 GB है, जिसमें से 6 GB इसके अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ हो रही है। इसके अलावा इसमें आपको 1.5 GB की रैम और 1.1 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर मिल जाएगा। एक एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि इस टीवी में ऐड की गई है और इससे पहले के मॉडल में नहीं थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको स्पोर्ट मोड और गेम मोड की ऑप्शन मिल जाएगी, जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यह आप टीवी की पिक्चर क्वालिटी देख सकते हैं। इसमें आपको 200 ब्राइटनेस निट्स मिल रहे हैं और इसकी जो कंट्रास्ट रेशियो है वो 4000 है। इसके आप बैकलाइट वगैरह देख सकते हैं, ब्राइटनेस, शार्पनेस, डिटेल, क्लैरिटी, कलर वॉल्यूम आप इसका डिटेल से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। HDR10 को सपोर्ट करता है और इसमें आप 1080x1920 तक की रेजोल्यूशन की फुल HD वीडियो तक की क्वालिटी को चला सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो आपको इसमें 2.4 GHz का वाईफाई कार्ड मिल रहा है। अगर 5 GHz ऐड कर देते तो ज़्यादा बेहतर था, बट अभी इसमें सिंगल बैंड वाईफाई यूज़ किया गया है, ड्यूल बैंड वाईफाई कार्ड इसमें नहीं है। इसके अलावा ब्लूटूथ आपको बिल्ट इन मिल रही है। अगर इसके इनपुट की बात की जाए तो 2.0 की एक USB पोर्ट मिल रही है और 2.0 वर्जन वाली ही 2 HDMI मिल रही है। पहले के मॉडल में 1.4 वाली यूज़ की जाती थी। इसके अलावा इसमें हेडफोन की ऑप्शन है, इथरनेट लैन लग जाएगी और ऑप्टिकल वायर की ऑप्शन भी हमें इस टीवी में देखने को मिल जाएगी। डॉल्बी ऑडियो के स्पीकर यूज़ किए गए हैं। इसमें 800 वॉट के 2 स्पीकर इसकी बॉटम साइड पे मिल जाएंगे। तो ये आप इसकी साउंड आउटपुट भी चेक कर सकते हैं, इसका साउंड एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करते हैं। अपने 32 इंच में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। फॉर एग्जांपल, इन्होंने 32 इंच में फर्स्ट FHD TV लॉन्च कर दिया है। FHD मींस के फुल HD 1080p 2 मेगापिक्सल।
इससे पहले जितने भी टीवीज आ रहे थे वो आपको HD रेजोल्यूशन में मिलते थे जिसमें 720p होता था और ये 1 मेगापिक्सल होता था। तो 32 इंच अगर कोई बाय करना चाहता है तो उसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या मैं आपको शो कर दूंगा आपको, तो आप वो देख के 32 इंच के बारे में भी जो है अनबॉक्सिंग और रिव्यू वगैरह देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नई अपडेट।